गिडियन सपनों की उड़ान। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दोस्ती की परख। ये पंचतंत्र की कहानी है। एक जंगल था, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी वहां चरने आते थे। उन चारों में दोस्ती हो गई। वे चरते चरते आपस में कहानियां सुनाया करते थे। पेड़ के नीचे एक खरगोश का भी घर था। एक दिन उसने उन चारों की दोस्ती देखी। खरगोश पास जाकर कहने लगा, तुम सब लोग मुझे भी दोस्त बनाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, तुम भी हमारे दोस्त बन जाओ। खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश हर रोज उनके पास जाकर बैठ जाता। एक दिन खरगोश उनके पास बैठकर कहानियां सुन रहा था, तभी अचानक कुछ शिकारी कुत्तों की आवाज आने लगी। खरगोश बहुत डर गया। वह दौड़कर गाय के पास गया और बोला, गाय, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और जब ये शिकारी कुत्ते आए तो तुम उन्हें अपनी सींग से मारकर भगा देना। गाय ने कहा, ओ खरगोश, मेरा तो अब घर जाने का समय हो गया है, मैं घर जाती हूँ, तुम घोड़े के पास चले जाओ। खरगोश दौड़कर घोड़े के पास गया और कहने लगा, घोड़े भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, तुम मुझे इन शिकारी कुत्तों से बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। घोड़े ने कहा, मैं तुम्हें बिठा लेता खरगोश भाई, लेकिन मुझे तो बैठना ही नहीं आता, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ, और फिर तुम मेरी पीठ पर कैसे चढ़ोगे? मेरे तो पाँव में भी बहुत दर्द है, एक काम करो, तुम कोई नया उपाय ढूंढो। खरगोश बेचारा डरते डरते गधे के पास गया और बोला, दोस्त गधे, तुम मुझे शिकारी कुत्तों से बचा लो, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और जब ये कुत्ते आए तो तुम उन्हें दुलत्ती झाड़कर भगा देना। गधे ने कहा, अरे खरगोश, मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम बकरी के पास चले जाओ। बेचारा खरगोश उदास हो गया। वह बकरी की तरफ देखने लगा, मगर बकरी ने तो दूर से ही कहा, छोटे भैया खरगोश, मेरे पास मत आना, मुझे तो शिकारी कुत्तों से खुद भी बहुत डर लगता है, कहीं तुम्हारे साथ वो मुझे भी ना मार दें। बेचारा खरगोश, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इतने में कुत्ते भौंकते भौंकते पास आ गए। बस फिर क्या था, खरगोश उन्हें देखते ही इतनी जोर से भागा कि कुत्ते उसे पकड़ ही नहीं पाए। खरगोश जाकर एक झाड़ी में छिप गया। फिर खरगोश मन ही मन कहने लगा, हमेशा सबसे पहले अपने पर भरोसा करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी कोई परेशानी आए, पहले हमें खुद उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर खुद हल ना हो, तभी हमें दूसरे की मदद मांगनी चाहिए।